अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। मैम बताएं अभी किस तरह का विवाद हुआ आप दो डॉक्टरों के बीच में? अभी मैं तो यहाँ बैठ के मरीज देख रही थी, ओटी में मेरा टेबल पे पेशेंट लेटा हुआ है जिसको 3 बच्चे हैं, उसका ऑपरेशन मुझे करना था। वो बाहर से आके सीधा आके यहाँ ओटी में झगड़ा गाली गलौज करने लग गई, झगड़ा करने लग गई और गंदा गंदा शब्द यूज करने लग गए। रात में एक पेशेंट था, उसके लिए कॉल गया था, मेरे पास रात में फ़ोन आया था कि इस मरीज को देखने कोई नहीं आ रहा है, कल उनकी ड्यूटी थी तो वो ड्यूटी पे नहीं आए। तो ड्यूटी डॉक्टर से मेरी बात हुई, जो अटेंडर था वो भी मेरे को कॉल कर रहा था कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि कोई ड्यूटी डॉक्टर नहीं है, ऑपरेशन का कोई ड्यूटी डॉक्टर नहीं है। तो मेरे पास जब फ़ोन आया तो मैंने ड्यूटी डॉक्टर डॉक्टर कल्याणी को फ़ोन लगाया कि क्या प्रॉब्लम हो गई, अटेंडर क्यों फ़ोन लगा रहा है मेरे को। तो उसने बोला कि मैडम वो ऐसा पहले का ऑपरेशन है और उसका मुँह खुल गया है, दर्द आ रहा है, लेकिन मैडम ने आने से मना कर दिया है और बोले कि नॉर्मल की कंसर्न ले लो कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। तो उनका आरोप है कि देर रात आपका फोन आया था, देर रात वो पेशेंट देखने भी आए थे, आज सुबह आने के बाद आपसे उनका वाद विवाद हुआ। नहीं हाँ, तो ये मैं बता रही हूँ आपको। तो वहाँ पे फिर रात में मैंने कहा एक बार कॉल कर लो, पेशेंट दिखा लो, जैसा वो डिसीजन ले कि ऑपरेशन की जरूरत है तो ऑपरेशन नॉर्मल हुए। मेन उद्देश्य इस लड़ाई का क्या है? उनका ऐसा आरोप है कि आप जो है सीनियर नहीं थे लेकिन उसके बावजूद भी आपको एचओ बना दिया है। आप पूरी बात वहाँ सुन ले, तो उसमें वो उन्होंने कॉल भेज दिया रात में, वो उनको आना पड़ा पेशेंट देखने के लिए क्योंकि उनकी ड्यूटी थी कल ऑन कॉल। मैं MBBS में जूनियर हूँ लेकिन गायनकोलॉजिस्ट में मैं सीनियर हूँ। मैं 2015 से मेरा प्रमोशन है और उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी 8 ईयर हो चुके हैं गायनकोलॉजिस्ट। क्या लगता है आपके प्रमोशन ही इस विवाद का कारण है? मेन प्रमोशन मेरा मेन विवाद का कारण है। दूसरा कारण ये है कि मैं राणा मैडम अब रिटायर्ड होने वाले हैं, उनके बाद सेकंड नंबर में हूँ। मुझे चार्ज दे दिया गया है कि ये पूरा मैटरनिटी मुझे देखना है, तो वो ये नहीं चाहती है कि वो काम करे, मतलब मुझे क्यों दे दिया गया है। ठीक है, वो MBBS में रहे हैं, 2002 में उन्होंने ज्वाइन किया, लेकिन मेरा PG पहले का है, मेरी प्रमोशन मेरा पहले का है, तो ये उनको डाइजेस्ट नहीं होता है। वो कभी से नहीं हो रहा है, ये आज का प्रॉब्लम नहीं है। मैं इन 9 साल से, आज जब से मैं देवास आई हूँ तब से इस चीज़ को फेस कर रही हूँ। उनका कहना है कि जब से आप HO बने लगातार उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं, आए दिन ड्यूटी लगाते हैं। मैं कोई प्रताड़ित नहीं कर रही हूँ, सिविल सर्जन के जो आदेश थे वो रोस्टर, ये अभी 1 से लेकर 3 तक छुट्टी पे थे, 4 तारीख को इन्होंने आके, अभी इन्होंने 2 ड्यूटी की है, ठीक है ना, उसके बाद फिर से छुट्टी जा रही है अभी 10, 11, 12 को। और कैसे भी करके हम इस डिपार्टमेंट को चला रहे हैं। राणा मैडम की तबीयत खराब है, वो भी अभी छुट्टी पे है। एक हमारे साथ जो गायनकोलॉजिस्ट है, गायनकोलॉजिस्ट है, वो प्रेग्नेंट है, उसके बाद भी ये हर महीने छुट्टी जा रहे हैं, ले रहे हैं, सिर्फ एक अकेला डॉक्टर फंस जाता है ना। और अभी आके अंदर सीधा आके गाली गलौज करने लगे, बहुत गंदियाँ गालियाँ जो शायद मैं नहीं बोल सकती हूँ, ना मैंने कभी सुना है और ना ही मैं बोल सकती हूँ। मैंने डोर बंद किया कि ये बाहर आवाज नहीं जाए, तो बस मेरे से उलझ गए जी कि मैं देखती हूँ ऐसा वैसा करके। तो उनको भी नाक और मुंह तरफ से खून आ रहा है, आपको भी कहीं लगी है? मेरे को सर में ही यहाँ पे। क्या लगता है इतने बड़े जिला अस्पताल में इस प्रकार के बड़े लेवल पर अधिकारी? बहुत बहुत जो घटना है बहुत ही दुखद पूर्ण है और बहुत बेकार है। जहाँ पर संयम के साथ रहना चाहिए, अपनी बात को अच्छे से रखना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं है। जब अक्सर इसी तरह का माहौल क्रिएट किया जाता है। उन्होंने बताया कि वो जो है पुलिस थाने पर जाकर जो है मामला दर्ज करवाएं, क्या लगता है आप भी थाने की शरण? अगर मेरे अगेंस्ट करेंगे, जब मैंने कुछ, मैं तो यहाँ ड्यूटी में बैठी हूँ ना, मैं तो ड्यूटी कर रही हूँ, मुझे काम, पेशेंट मेरा ओटी में लेटा है, मतलब वो मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, उसके 3 बच्चे पेट के अंदर है, उसका मैं सीजन नहीं कर पा रही हूँ और यहाँ उलझ रही हूँ इस चीज में। कुल मिला के आपका प्रमोशन इस विवाद का कारण रहा? बस यही है कि ठीक है, आपका नाम कैसे भी करके टॉर्चर करो, परेशान करो। डॉक्टर साधना वर्मा। पद? आपका पद? गायनेकोलॉजिस्ट। लेकर जो है आपकी ओटी में हुआ, इस बात को लेकर हुआ है कि जब से साधना वर्मा डॉक्टर MP शर्मा ने इसको बनाया है HOD ना, उस बात को लेकर जब से मुझे परेशान कर रही थी। मेरी अल्टरनेट ड्यूटी लगाई एक दिन छोड़ के, जबकि नियम के अनुसार इसको ड्यूटी करना था। आज रात को ड्यूटी मेरी थी, तो इसका कोई मतलब नहीं था, ड्यूटी मेरी थी। एक पेशेंट को ना देखने के लिए इसने कॉल गाड़ी पहुँचा दी, कहते मैं छोड़ी हूँ, मुझे गाड़ी पहुँचा दो। मैंने फिर अभी जो मैं ऑफिस में आई थी, कुछ काम था, तो मैंने इसको सोचा कि हस्बैंड से बात करी, तो उन्होंने बोला कि पहले शांति से बात कर लेते। तो मैंने इससे बात करी, मैंने कहा साधना इधर हूँ भाभी, मैंने साधना कि जो है तू मतलब मुझे क्यों परेशान कर रही है? तो बोलती है कि
कि जो है पहले इसने सबसे पहले एक पेशेंट थी उस समय तो पेशेंट को बाहर निकाल दिया और बस जो है उसको दरवाजा बंद करा। मुझे लगा दरवाजा बंद करके शायद ये बात करेगी, दरवाजा बंद करके उसने मुझे सीधे बिस्तर पर पटक लिया और मारने स्टार्ट कर दिया चप्पल जूता से ना, और ये नाक में मेरे लग गई देखो खून इतना सारा, बहुत मारा उसने बहुत मारा, चप्पल भी एक चश्मा टूट गया मेरा, नाक का भी चला गया और इतना खून जो है जब से HOD बनी है और MP शर्मा सर ने इसको बनाया है जब से मुझे किसी ना किसी बात पे परेशान कर रही है इसी महीने से जो है इस बात पे, और मैं तो सिर्फ बोलने गई थी कि तू मुझे क्यों परेशान कर रही है, उसने दरवाजा बंद कर लिया पैसों को बाहर कर दिया। आगे क्या करेंगे, आगे कार्रवाई, आगे क्या कार्रवाई करेंगे? आगे कार्रवाई ये है कि ये साधना वर्मा जो इतनी जो है ये इतनी भ्रष्ट लेडीज है, इतनी बेकार लेडीज है, इस पर इतनी कार्रवाई की जाए जो मेरे ऊपर ये सारे एक 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 लेडी डॉक्टर के पास ऐसे पूरे अस्पताल के कैंपस में हुआ है ना, जो मतलब एक मतलब किसी का भी डर नहीं है, किसी का भी डर नहीं, उसको खुलेआम पैसे लेके काम करती है। ये बात MP शर्मा सर को पता है, सबको पता है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती, रात को ऑपरेशन करती है उसके बाद पैसे लेके काम करती है, कुछ भी कार्रवाई नहीं होती, और आज देखो मेरे ये नतीजा हुआ उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। मैडम रिपोर्ट दिखाएंगे आप? अभी रिपोर्ट लिखवाऊंगी मैं, कहाँ जाएंगे? मैं पुलिस थाने को। ठीक है, आपका नाम? नाम बताइए। मैं डॉक्टर पुष्पा भैया, गायनेकोलॉजिस्ट, जिला चिकित्सालय देवास।